हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है इट मीन्स टू जज द अदर पीपल नेगेटिवली और टू सी देम एज इन्फीरियर। इसका मतलब होता है दूसरे लोगों को गलत समझना या अपने आप से छोटा समझना। जब हम किसी इंसान को गलत समझते हैं या अपने से छोटा समझते हैं, चाहे उनके कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, तो उसे हम कहते हैं प्रीजुडिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स। हम लोगों को बहुत से अलग अलग तरीक़ों से गलत या फिर छोटा समझते हैं। कारण क्या है, उनके रिलीजन बिलीफ के कारण। मतलब हमारा जो रिलीजन है कि हमारा धर्म ये कहता है कि ये चीज़ गलत होती है या फिर इस धर्म में ये चीज़ लिखी है तो ये गलत है, इस बेसिस पे कुछ लोग एक दूसरे को छोटा या फिर गलत समझ लेते हैं। कलर ऑफ देयर स्किन, हमारे स्किन के कलर से, गोरे लोग अच्छे होते हैं या फिर काले लोग बुरे होते हैं या काले लोग अच्छे होते हैं दिखने में, तो इस तरीके से जब लोग कहने लग जाएं या सोचने लग जाएं तो उसे कहते हैं प्रीजुडिस। रीजन दे कम फ्रॉम, वो किस रीजन से, किस एरिया से आते हैं या फिर उनका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके हिसाब से। एसेंट दे स्पीक इन, उनकी जो बोलने का तरीका है वो, उसके हिसाब से, या क्लॉथ जो पहनते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस है, उसके हिसाब से हम लोगों को अलग अलग या फिर नेगेटिव समझते हैं, या मतलब उनके बारे में गलत सोचते हैं या उन्हें अपने आप से छोटा समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है इट मीन व्हेन वी फिक्स अ पर्सन इनटू वन इमेज। इसका मतलब होता है जब हम किसी इंसान की एक छवि या फिर एक इमेज अपने दिमाग में सेट कर लें, वो भी उन्हीं बेसिस पे होता है कि इस स्टेट का या फिर इस एरिया का जो पर्सन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, गोरे लोग ऐसे ही होते हैं, गोरे लोग अच्छे सुंदर ही होते हैं, काले लोग बुरे ही होते हैं, इस तरीके की बातें जब हम एक इमेज सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में किसी पर्सन के बारे में, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये जेंडर के बेसिस पे भी होता है कि लड़के जो हैं सारे ये काम जो है सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती, या ये काम सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं हमारी स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर एज अ यूनिक इंडिविजुअल एंड विद हिज और हर स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्टीरियोटाइप की अगर हम ध्यान ना रखें, स्टीरियोटाइप मतलब एक दूसरे के बारे में इमेज ना बनाएं, तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें ये अकल आएगी कि हम लोग एक दूसरे की यूनिक जो चीज़ें हैं, यूनिक स्पेशल क्वालिटीज़ जो हैं उनको देख पाएँ। हर एक इंसान अलग है, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो उसे हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है, तो उनकी स्किल के बेसिस पे हमें उन्हें जज करना चाहिए, ना कि किस रिलीजन, किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं या किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है भेदभाव। इट हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। ये तब होता है जब लोग या तो एक दूसरे को अपने से छोटा या फिर गलत समझते हैं, या स्टीरियोटाइप अपनी एक दिमाग में इमेज जो उन्होंने बना रखी है उसको हटाते नहीं हैं और उसी बलबूते पे दूसरों को जज करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का, किस बेसिस पे हम लोग भेदभाव करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब रिच है या पर्सन वो पुअर है उसके बेसिस पे। ये जो चीज़ें हैं ये डाइवर्सिटी भी है हमारी इंडिया की, कि हमारा कल्चर अलग अलग है, हम सभी अलग हैं एक दूसरे से, हमारे जो कल्चर है इतना रिच है। इसके अलावा इसी कारण से कई बार इनइक्वालिटी भी क्रिएट होती है, इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत सी कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इनटू अ सॉर्ट ऑफ लैडर। मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट को एक सीढ़ी के तरीके से जचा दिया गया है। ईच कास्ट बींग अदर अबव और बिलो द अदर। हर एक कास्ट जो है या तो किसी से ऊंची है या किसी से छोटी है, इस तरीके से बांटा गया है उनको। जो टॉप लैडर है मतलब सबसे ऊंची सीढ़ी है, उस पर गिनते हैं हम लोग अपर कास्ट या सुपीरियर को। जो अपर कास्ट होती हैं, जो अच्छी कास्ट मानी जाती है, उन्हें सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे लोग देखते हैं। बॉटम लैडर मतलब अनवर्थी और अनटचेबल, जो छोटी कास्ट दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें सबसे नीचे जो सीढ़ी होती है उस पर रखा जाता है।
ठीक है, गिना जाता है। अब आपको ब्रैकेट में एक बॉक्स में दिख रहा होगा दलित लिखा हुआ है रेड कलर के बॉक्स में। दलित का मतलब होता है गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट SC। गवर्नमेंट इन लोगों को, दलित जो वर्ड है, ये होते हैं सबसे लो कास्ट, जो लोअर कास्ट जो पीपल होते हैं, कास्ट होती है, उनको दलित का नाम दिया गया है। ठीक है, उसको आज हम गिनते हैं शेड्यूल कास्ट SC में। कई बार आपने सुना होगा SC जो वर्ड है, उसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। दलित जो कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं उन्हें हम SC में गिनते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट, किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपने इनका नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और इनकी डेथ हुई 1956 में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट बिकॉज ही हैज़ रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा था, हमारा संविधान लिखा था इन्होंने। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर लीडर ऑफ दलित। वो बहुत ही अच्छे से, मतलब लोग उनको जानते हैं लीडर ऑफ दलित, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से खुद भी बिलोंग करते थे। ही वॉज बिलोंग इन मोहार कास्ट। मोहार कास्ट में उनका जन्म हुआ था, जो कि कंसिडर्ड अनटचेबल इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जिस कास्ट को अनटचेबल कंसिडर किया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा, ठीक है, तो उनमें उनका जन्म हुआ था। ही फोट फॉर द राइट फॉर दलित कम्युनिटी। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बहुत से क्या बोलते हैं मूवमेंट्स लड़े थे इन्होंने, किसके लिए, जो दलित लोग थे, दलित कम्युनिटी से पीपल जो बिलोंग करते थे उनकी राइट्स के लिए। लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट ऑल द मेंबर्स इक्वली। बाद में उन्होंने अपना धर्म बुद्धिज्म अपना लिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रिलीजन की सर्च में थे, एक ऐसा धर्म ढूंढ रहे थे जो हर एक कास्ट को, हर एक कम्युनिटी के लोग को इक्वली ट्रीट करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी मतलब बराबरी के लिए, कि सबको समान अधिकार मिले, इसके लिए लड़ाई जो क्या क्या लड़ी गई। लीडर्स राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लीडर्स थे, मतलब जो हमारे नेता या फिर जो लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी बातों को ध्यान में रखा था। क्या थी वो? सेट आउट अ विजन और गोल इन इट टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। वाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त हमारे लीडर्स ने ये ध्यान में रखा कि हर एक इंसान जो इंडिया का है, हर एक सिटीजन जो इंडिया का है, वो सभी, उन सभी को इक्वल अधिकार दिया जाए। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। सबको सेम अधिकार मिले और सेम अपॉर्चुनिटीज मिले अपनी स्किल्स को या फिर अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। एंड ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वलिटी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए भी। हमारा जो इंडिया है अपने कल्चर, अपनी डाइवर्सिटी के लिए, कि इतने अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग धर्म मज़हब के लोग जो हैं साथ में मिलकर के रहते हैं, इतना कल्चर हमारा अलग वास्ट है, इसके लिए हमारा इंडिया जाना जाता है। अगर वही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में थोड़ी कमी रह जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे लीडर्स ने ये कहा था कि ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है, अपने कल्चर हमारा कितना डाइवर्स है उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, और ये भी ध्यान में रखना है कि हम सभी इक्वल हैं, हम सभी जो है समान हैं, साथ में मिलकर के हमें चलना है। ठीक है, कल्चर को लेकर के सबको समान अधिकार दे करके तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी सीन एज अ क्राइम मतलब कि भेदभाव, एक दूसरे को छोटा समझना जो है एक कानूनन अपराध बन चुका है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कानून बनने के बाद में, जब अगर हम आज के टाइम पे किसी को छोटा है वो कोई कास्ट के हिसाब से हम उसे कुछ भला बुला बुरा कह दें और उसने जाकर कोर्ट में केस फाइल कर दिया हमारे ऊपर, तो हमें काफ़ी कुछ जो है सज़ा मिल सकती है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दिस। अब लीडर्स ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, ठीक है, हमारे कानून नियम तो बन चुके थे, अब उन्हें मेंटेन करना भी तो ज़रूरी था। नियम बना दिए गए थे लेकिन वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसको ध्यान में रखने की या फिर इसको संभालने की जिम्मेवारी किसको दी गई? गवर्नमेंट को। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी, जो कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाना। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का क्या है,
इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एन फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया एक ऐसी सेकुलर कंट्री है जहाँ पे हर एक इंसान को ये अधिकार दिया गया कि किसी भी रिलीजन या धर्म से वो बिलोंग करता है, किसी भी मज़हब से वो बिलोंग करता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो बिना हिचक के अपने धर्म, अपने पूजा पाठ वो कर सके और उसे अपना सके अपने धर्म को, और उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, दैट्स इट, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।